मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में राम लक्ष्मण प्रभु चले चले चलते चलते ताटक बना गया, जहां ताड़का का निवास है। ताड़का ने मुनि जी के साथ दो कोमल बालकों को देखा, हवा दी, माया फैलाई, झरझराने लगे सारे वृक्ष। गुरु जी ने देखा, दिख गई। चले जात मुनि दीन दिखाई, कौन ताड़का दिखाई पड़ी। गुरु जी ने दिखा दिया ताड़का को, वो ताड़का है, बहुत ऋषि मुनियों को त्रास दी है। भगवान एक पल लगाए, एक कही बाण प्राण हरि ले, दिन जानते निज पदनी, दिन जानते निज पदनी, दिन जानते निज पदनी। तब ऋषि निज नाथ ही जिय थीनी, तब ऋषि निज नाथ ही जिय थीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन छुधा पिपासा, जाते लागन छुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अब आयुध सर्व समर पिके प्रभु निज आश्रम, कंद मूल फल भोजन आदीन भक्ति। भगवान गुरुदेव के साथ चले तो विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए, सोचने लगे प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जान गया, क्योंकि मेरे लिए भगवान ने माता पिता परिवार सबका त्याग कर दिया। देखो भैया, ये त्याग करना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर का तब सभी भक्तों को त्याग कर देना चाहिए और कथावाचक को सब में ओढ़ लेना चाहिए। त्याग का प्रवचन देना सरल है, त्याग करना सरल। अरे न कामनाएं जा रही है, न क्रोध जा रहा है, न ये प्रवचन देने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए। एकादशी को गाजर का हलवा निषेध है, ये नहीं खाना चाहिए हमको, हम बताने के लिए हैं, पालन करने के लिए नहीं है। जब तक पालन नहीं होगा दूसरा भी पालन नहीं करेगा। सिद्धांत कहने के लिए नहीं है, रहने के लिए। परमात्मा ने यज्ञ रक्षार्थ त्यागा, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही यज्ञ का है। भगवान तो रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी, भगवान कही वह राग है नहीं, वह तो ओ विरागा स्वरूप है सरकार का, मुक्त है सरकार। नय इच्छा निर्मित तनु माया गुणगो पार, प्रभु ब्राह्मणों को देवता मानते हैं इसलिए मेरे लिए पिताजी का त्याग कर दिए। ताड़का को गति देकर भगवान आगे बढ़े, समझ गए विश्वामित्र जी। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, और जितनी विद्या एकत्र किए थे सब भेंट कर दिया हो, जिसे न भूख लगे न प्यास। आयुध अर्पण किए तब भोजन कराए, अरे भाई भोजन करा के ना अर्पण होता है, नहीं पहले अर्पण किए देर न हो जाए हो, फिर भोजन कंद मूल बन दिया। अब रात्रि विश्राम प्रातः काल हुआ तो प्रभु ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः करण ला
रखवार जी अब रहे मारिय सुर जनीर भय कारे मारिय सुर जनीर भय कारे स्तुति करहि देव मुनि धारि स्तुति करहि देव मुनि धारि गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ने यज्ञ प्रारंभ किया जाए। निर्भय स्वभाव हमारी ससेना दौड़े, भगवान ने बिना फर का सर मारीच को मारा, 100 योजन पार गिरा हो। अग्नि बाण से सुबाहु को विध्वंस किया। सरकार ने लक्ष्मण जी ने निशाचरी सेना का संहार किया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, देवता लोग मुनिगण सब स्तुति करने लगे भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कहे गुरुदेव के सानिध्य में यज्ञ पूर्णाहुति पश्चात कुछ दिन भगवान रहे। आश्रम पर कुछ दिन रहना चाहिए, भजन भाव में आनंद लेना चाहिए। दिनचर्या कितने सिद्ध, ठाकुर का दर्शन हो, सरजू जी का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, वाह आनंद मंगल, संध्या वेला में सत्संग हो, क्या रस। तो भगवान बाबा बक्सर वाले के आश्रम पर आनंद ले रहे हैं और हम आप भी आनंद लेंगे। कल भगवान की 3 लीलाओं का दर्शन करेंगे और ठाकुर की इच्छा रही तो मंगल महोत्सव विवाह का भी करेंगे। आगे हर इच्छा बलवान, तो मैं कथा को विश्राम दूं क्योंकि श्री महाराज जी का भी आशीर्वचन आपको प्राप्त होगा। भगवान नाम स्मरण करें और आज की वेला को ही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 कथा विसर्जन याज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा कर राजा राम चंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी पवन सुत हनुमान जी स्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई।